मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच के बाद मोहम्मद शमी को बीसीसीआई ने क्लीन चिट दे दी है, जिसके बाद उनकी पत्नी हसीन जहां के तेवर और तल्ख हो गए हैं। अब बीसीसीआई की ओर से मोहम्मद शमी का कॉन्ट्रैक्ट बहाल करने पर हसीन जहां ने बीसीसीआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हसीन जहां ने बीसीसीआई पर भेदभाव का आरोप लगा दिया है। न्यूज 18 चैनल से बातचीत में हसीन जहां ने बीसीसीआई पर संगीन आरोप लगाए। हसीन जहां ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोहम्मद शमी घर में प्रोस्टिट्यूट नहीं ला रहे थे, वो उसी होटल में प्रोस्टिट्यूट ला रहे थे जिस होटल में बीसीसीआई ने टीम को ठहराया था। क्या यह गंभीर मामला नहीं है? फिर बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी को क्लीन चिट कैसे दे दी? उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे बहाल कर दिया? हसीन जहां ने यह भी कहा कि बीसीसीआई जानबूझकर मामले पर नजर नहीं डालना चाह रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी हसीन जहां आरोप लगा चुकी है कि जहां इंडियन क्रिकेटर्स ठहरते हैं वहां पर कॉल गर्ल्स को बुलाया जाता है और वो रात रात भर खिलाड़ियों के कमरे में ठहरती है।